अगर आपने खरीफ वर्ष 2020-21 में छत्तीसगढ़ में धान बेचने के लिए पंजीयन कराए हैं, तब आप उसकी जानकारी कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका कितना रकबा पंजीयन हुआ है। तो आप यहां इस प्रकार देख सकते हैं, इस तरह से आप अपना पंजीयन की जानकारी खुद देख सकते हैं। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखने होंगे कि आप इस पेज पर कैसे पहुंचेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें। आपको चेक करने के लिए छत्तीसगढ़ खाद्य विभाग के वेब पेज पर आना होगा। भूपेश बघेल सरकार द्वारा ये अच्छी पहल की गई है कि लिंक एक्टिवेट किया गया है और किसानों को इसके बारे में जानकारी दी जा रही है कि वे अपनी पंजीयन की जानकारी खुद चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए आपको यहाँ 2020-21 किसान पंजीयन लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, आपको एक किसान कोड यहाँ डालना होता है और किसान कोड आपका ही रहेगा। आप जिसका भी किसान कोड यहाँ डालेंगे उसकी जानकारी पूरा यहाँ से हो जाएगी कि उसके नाम में कितना रकबा पंजीकृत किया गया है और बैंक अकाउंट लिंक है या नहीं, मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं, आधार वेरीफाई है या नहीं, पूरी जानकारी शो हो जाती है। हम यहाँ एक किसान कोड डाल देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ जानकारी देखे पर क्लिक करना है। जैसे ही आप जानकारी देखे पर क्लिक करते हैं, यहाँ पूरा जानकारी शो हो जाती है। इस तरह से देख सकते हैं, ये जानकारी यहाँ पूरा शो हो गई है। इसका लिंक हम नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जहाँ से आप इस तरह से आप खुद चेक कर सकते हैं। अब बात आती है कि आप किसान कोड कैसे पता करेंगे। तो हम आपको किसान कोड पता करने के दो तरीके के बारे में स्क्रीन पर वीडियो आ रहा होगा जिसमें हमने बताया है किसान कोड आप कैसे पता कर सकते हैं अपना खुद का। तो आप वीडियो पर क्लिक करके किसान कोड कैसे पता करेंगे वो जान सकते हैं और इस तरह से अपना किसान धान पंजीयन की जानकारी पूरी डिटेल देख सकते हैं। यदि जानकारी आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें।